अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको कहना कि आजीवन ऋणी रहेंगे, क्योंकि हर ये कायस्थ महासभा ही नहीं, हर जाति हर धर्म के लोग, नाई समाज, रजक समाज, हमारी जो बीजेपी की विधायक है रश्मि वर्मा जी या फिर हाँ सिद्धार्थ सौरभ जी कांग्रेस के हैं विधायक, तो हर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने ग्राउंड पर सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद हमारे लोग जो लगे हुए थे, सब अमरेश जी थे, अभिषेक थे, सारे लोग चारों विधानसभा में हमने बांट दिया। और ये लोग 80 बरस के हमारे आदित्य अंबस्टा वो भी घूम रहे हैं, और उस सर्वे पर हम आए कि नहीं, माला जी को समर्थन करना चाहिए, अन्यथा आप जानते होंगे कि पटना में 5 कायस्थ कैंडिडेट हैं। नहीं, वर्तमान महापौर वो क्या काम की है, ना तो 2 शब्द मीडिया के सामने बोल सकती है, ना हमारे सरकार के पास कुछ रख सकती है अपना प्रस्ताव, और ना ही तो हम लोग से डिबेट करती है, ना तो कुछ बताती है, ना तो कुछ सुनती है, ना समझती है, ना उनको काम करने का अनुभव है। कायस्थ समाज किसी का गुलाम नहीं है, किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, ये जान जाए। इसलिए जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल गलत फैला रहे हैं। हाँ, तो ये सारा जाएगा माला सिन्हा को वोट, और ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत डोर टू डोर गाड़ी चल रही है, उसमें भी चोरी की जा रही है तेल का, गाड़ी का, सफाई कर्मी का, हमारे जो सफाई कर्मी है उनका भी नहीं सुनी, वो हर समय धरना प्रदर्शन करते रहे, चिल्लाते रहे बेचारे, कोरोना में जान गंवा के काम करते रहे, सेवा देते रहे, लेकिन उनको भी स्थायी नहीं किया गया। मैं 84 बरस का हूँ और हम चरमहला पचमहला पर जाकर भी सबसे मिल के आया हूँ और इनके फेवर में है। पटना की वो कैंडिडेट जो दलितों के पैर छूने में हिचकिचाती नहीं है, आज उनको अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का समर्थन मिला है। बहुत होते हैं जो किसी को दलितों को छूने और साथ में खाने का एक तरह से हिम्मत कर पाते हैं, लेकिन माला सिन्हा जी लगातार घूम रही हैं। एक दिन और बचा हुआ है प्रचार का, आज आपको अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का भी समर्थन मिल गया है, क्या कहना चाहती हैं, इनको कैसे बधाई देना चाहती हैं, और एक दिन बचा हुआ है कैसे अब जो है, क्योंकि लगभग कदम पर पहुंच गए हैं, बस खाली पुश करना है जीत के लिए, कैसे आगे बढ़ेंगे? हम अपने आदरणीय सभी बड़े भाई का, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको कहना कि आजीवन ऋणी रहेंगे, क्योंकि हर ये कायस्थ महासभा ही नहीं, हर जाति हर धर्म के लोग, नाई समाज, रजक समाज, हमारी जो बीजेपी की विधायक है रश्मि वर्मा जी या फिर हाँ सिद्धार्थ सौरभ जी कांग्रेस के हैं विधायक, तो हर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद ही नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि आप जीती हुई हैं। तो हम यही पटना वासी से कहना चाहेंगे कि जो पिछले 5 वर्ष रह चुकी हैं नी वर्तमान महापौर, वो क्या काम की है, ना तो 2 शब्द मीडिया के सामने बोल सकती है, ना हमारे सरकार के पास कुछ रख सकती है अपना प्रस्ताव, और ना ही तो हम लोग से डिबेट करती है, ना तो कुछ बताती है, ना तो कुछ सुनती है, ना समझती है, ना उनको काम करने का अनुभव है। तो हमारे पटना वासी क्यों उनको चाहेंगे कि आए, क्योंकि पटना में जल जमाव भी हम लोग देखे हैं, कोरोना भी देखे हैं, किसी जगह वो नजर आई है, एक पेड़ लगाई है अपने तरफ से, या पटना को स्वच्छ पटना बनाई है, ग्रीन पटना बनाई है, क्या की है, जो भी कुछ हुआ है राज्य सरकार से, जो नाली गली का काम हुआ है उसमें घोर भ्रष्टाचार है, उसको रोकना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत डोर टू डोर गाड़ी चल रही है, उसमें भी चोरी की जा रही है तेल का, गाड़ी का, सफाई कर्मी का, हमारे जो सफाई कर्मी है उनका भी नहीं सुनी, वो हर समय धरना प्रदर्शन करते रहे, चिल्लाते रहे बेचारे, कोरोना में जान गंवा के काम करते रहे, सेवा देते रहे, लेकिन उनको भी स्थायी नहीं किया गया, उनका भी वेतन नहीं बढ़ाया गया, तो किसी को नहीं सुनती है, तो ऐसे महापौर को पटना वासी क्यों चाहेंगे। चलिए, कायस्थ महासभा बहुत जो है एक तरह से कायस्थ जो समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, और एक तरह से कहा जाए कि जिधर कायस्थ झुक जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और वो मेयर भी बन जाएंगे। सर,
एक सवाल है ये हमारा कि सिर्फ यहाँ पीसी में समर्थन कर रहे हैं कि ग्राउंड पर भी समर्थन होगा, क्योंकि ग्राउंड पे समर्थन कीजिएगा तभी कोई चुनाव जीतेंगे, ग्राउंड पे समर्थन होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ग्राउंड पे हुआ है बिल्कुल। सुनिए अभी 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 ग्राउंड पर हमने ग्राउंड पर सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद हमारे लोग जो लगे हुए थे सब अमरेश जी थे, अभिषेक थे, सारे लोग चारों विधानसभा में हमने बांट दिया और ये लोग 80 बरस के हमारे आदित्य अंबस्टा वो भी घूम रहे हैं और उस सर्वे पर हम आए कि नहीं माला जी को समर्थन करना चाहिए, अन्यथा आप जानते होंगे कि पटना में 5 कायस्थ कैंडिडेट हैं, लेकिन कायस्थ समाज ने इतना देर से निर्णय लिया क्योंकि हम सर्वे कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ये एक सवाल मेरा, कहा जा रहा है कि समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन बोटवा जाएगा सीते साहू के पास, सच है कि गलत बताइए, माइक पर रिकॉर्ड हो रहा है। कायस्थ समाज किसी का गुलाम नहीं है, किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, ये जान जाए, इसलिए जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं बिल्कुल गलत फैला रहे हैं। हाँ तो ये सारा जाएगा माला सिन्हा को वोट और ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। चलिए रिकॉर्ड हो गया सर, याद रखिएगा। बोलिए सर। हम जब मैं अपार्टमेंट में जाता हूँ पर्ची बांटने के लिए तब बोलते हैं माला सिन्हा का है, तो दौड़ के सब ऊपर से नीचे आ जाता है। हम ले ऐसा क्यों भीड़ लगा लिए भाई, बोलिए नहीं नहीं दीजिए पर्ची, माला सिन्हा का पर्ची हमको दीजिए। अब हम तो खुद परेशान है भाई, कहाँ से इतना भीड़ आ रहा है। तो हम पूछे काय समाज है, बोल के नहीं सभी समाज है, हम माला सिन्हा को देंगे। अब पर्ची लेने मेरे पास दूसरे लोग जाते हैं, पर्ची लेने नहीं देने जाते। एक सवाल हमारा, ये काम बूथ पर होगा कि सिर्फ यही हो रहा है? बूथ पर नहीं, तो ये जो पर्ची बांट, बूथ पर हम आपसे मिलेंगे। पर्ची जो बांट रहे हैं ये क्या आपका अनुभव हो रहा है, इससे क्या आपका अनुभव हो रहा है बताइए। सब साथ में है, मैं 84 बरस का हूँ, मैं 84 बरस का हूँ और हम चरमहला पचमहला पर जाकर भी सबसे मिल के आया हूँ और इनके फेवर में है। पूरा माला मैं हो गया, पूरा पटना माला मैं और माला सिन्हा जीत रही है 1,00,000 से। माला सिन्हा को माला पहनाइए कि नहीं पहनाइएगा ये काहे के, माला सिन्हा जिंदाबाद। और किसी और को कुछ बोलना है बोलिए सर। आप क्या जानना चाहते हैं? आप जो हमको जना दीजिए। ग्राउंड, आपने आपने एक प्रश्न उठाया कि ये जो समर्थन है वोट में कन्वर्ट होगा कि 100% वोट में कन्वर्ट होगा। आप 28 तारीख को घूमिएगा और देख, हाँ 27, हाँ मिलिए, एकदम कन्वर्ट होगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। चलिए, तो कभी केवी सहाय मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने बिहार को बदल दिया था, आज माला सिन्हा वादा कर रही हैं कि हम भी बिहार पटना हम बदलेंगे। मेरा काम है, जनता जंक्शन देखते रहिए।